चलिए जी, एक बार फिर से परीक्षा घोटाले का जिन्न बाहर निकल के आ गया है। जी हाँ, परीक्षा भर्ती घपले के आरोपियों पर ईडी ने कसा शिकंजा। जय हिंद, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो उत्तराखंड में और घपलों का जो एक अटूट रिश्ता है ना, जैसे जीजा साली का रिश्ता होता है, वैसे ही यहाँ पर लगता है बार 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 उभर के जो है ये रिश्ता सामने आता है। जी हाँ, मामला स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर है, जिसमें हाकम सिंह की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। 4-5 दिसंबर 2021 को विभिन्न विभागों में जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई थी, लगभग 40 से ऊपर यहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई थी। बाद में लगातार जो है उनको छोड़ दिया गया था और बीच में ईडी की भी यहां पर एंट्री हुई थी। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा घपले में पैसों के अवैध लेनदेन की जांच, पुलिस से मांगे दस्तावेज। जी हां, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाकम सिंह पर क्या जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जबकि 24 आरोपी जिसमें हाकम सिंह भी गिरफ्तार किए थे, जहां तक मुझे आई थिंक नॉलेज है, शायद अभी वो बाहर है। ठीक है, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इन पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट में सुनवाई जारी है। गैंगस्टर में शामिल आरोपियों में हाकम समेत सैयद सादिक मूसा, योगेश्वर राव, पेपर छापने वाली कंपनी के मालिक राजेश कुमार चौहान यहाँ पर जो है शामिल थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुचर्चित भर्ती घपले की कार्रवाई के बाद आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का भी शिकंजा कसेगा। इस मामले में पैसों का जो लेन देन हुआ था उस पर जो है दून टीम ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने पुलिस से स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा घपले में दर्ज मुकदमे और उससे जुड़ी जितने भी तमाम फाइलें हैं और तमाम जो दस्तावेज हैं वो जो है मांगे हैं। जैसे कि आपको पता है, लगभग 900 से अधिक पदों के लिए 2021 में जो ये भर्ती हुई थी, और उसके अलावा तत्कालीन जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव थे उनको भी जो है इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 47 आरोपी जो है गिरफ्तार हुए थे। जैसे ही यह मामला हुआ, उसके बाद एक के बाद तमाम जितने भी घोटाले उत्तराखंड में हुए थे सबकी जो है काला चिट्ठा जो है खुल के सामने आ गया था, जिसमें 2016 की जो है BPDO की भी भर्ती है। उसके अलावा सभी पर यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ और 62 यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर जो है गिरफ्तार हुए, जिसमें आपने वन दरोगा भर्ती परीक्षा में 8, सचिवालय रक्षक भर्ती में 1, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा में 6 आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार हुए। जो है ईडी ने ब्यौरा मांगा है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पर चार्जशीट जो है दाखिल कर सके। तो आप देख सकते हैं लाखों में पेपर जो है बेचे गए थे और किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा मामला ने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया था, वो किसी से छुपा नहीं है। तो देखते हैं भाई क्या होता है, जांची जांच होगी या फिर कुछ और भी यहाँ पर मामला आएगा। ईडी की एंट्री तो हर जगह थोड़ा सा हिला देने वाली हो। क्या ये डायलॉग इन पे फिट बैठेगा, क्यों हिला डाला ना लाइक ईडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, खुश रहिए और आने वाले परीक्षाओं की तैयारी लगातार करते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।